Assalamu alaikum. Today we are going to start the chemotherapeutic drugs, and today we will discuss the first chapter of the chemotherapeutic drug, which is regarding the beta lactam antibiotics. तो इसको जो है वो हम लोग कम्प्लीटली देखेंगे मिनी कैटजन से, और उसके साथ कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं डिफरेंट बुक्स के जो मैं आपको साथ साथ जो है वो बताई जाऊँगा. कुछ एमसीक्यू पॉइंट भी मैं आपको बताऊँगा, और इसको हम जो सारा है ना इसको हम निमोनिक्स के साथ देखेंगे ताकि आप लोगों के लिए इसको याद करना भी ईजी हो. तो अब आपको पता चाहिए ये जो है ना बीटा लैक्टम ड्रग्स, इन्होंने करना क्या है कि इन्होंने बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देना है. ठीक है ना, ये इनहिबिट होगी तो आगे वो बैक्टीरिया की डेथ, और यही इन एंटीबायोटिक्स का एक्शन है. तो इनको जो है ना वो मेनली हमने किया हुआ है दो में पहले क्लासीफाई. ठीक है, हम लोग ने इसको एज ए फ्लो चार्ट में देख लेते हैं ताकि वो ईजी रहे हमारे लिए. ठीक है, एक इसमें होती है जी बीटा लैक्टम, जो आज हमने मेन देखनी है. इनमें होगी क्या, बीटा लैक्टम रिंग. ठीक है, और दूसरी होगी हमारे पास अदर. ठीक है, अदर में मतलब जिनमें बीटा लैक्टम रिंग नहीं होती लेकिन उनका एक्शन वो भी यही है कि बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस को ही इनहिबिट करती हैं, वो इसमें सारी आ जाएगी. अच्छा, वे जो है ना बीटा लैक्टम रिंग वाली, इसमें हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं तो वो हम देख लेते हैं. इसमें हमारे पास आ जाएंगी चार मेन. नंबर वन इज पेनिसिलिन, नंबर टू विल बी द सेफालोस्पोरिंस, नंबर थ्री विल बी द मोनोबैक्टम, एंड द नंबर फोर विल बी कार्बापेनम्स. ओके, ये है हमारे पास जो बीटा लैक्टम वाली है. और अदर्स वाली देख लेते हैं यहाँ पर हम. अदर्स में जो मेन जो हम स्टडी करेंगे वो एक ही है, वो है वैनकोमाइसिन. इसको हम डिटेल में देखेंगे. इसके अलावा हमारे पास और भी होती हैं लाइक डेप्टोमाइसिन. बाकी ना मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड पे देखे, फॉस्फोमाइसिन, और हमारे पास आ जाएगी बैक्टीरियासिन, देन हमारे पास आ जाएगी इसमें साइक्लोसीरिन. ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, तो अब हम जो है उसको स्टडी करते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पेनिसिलिन से. और ये पेनिसिलिन जो है ना, इसकी सबसे पहले मैं आपको ना बता दूँ क्लासिफिकेशन फर्दर. तो ये पेनिसिलिन है, इसको हमने किया हुआ है इसके स्पेक्ट्रम की बेस पे तीन पार्ट्स में डिवाइड. ठीक है, किस बेसिस पे, इसके स्पेक्ट्रम की बेस पे. तो वो हम देख लेते हैं. पहला होगा हमारे पास जो नैरो स्पेक्ट्रम है, नैरो स्पेक्ट्रम. ठीक है, देन हमारे पास आ जाती है वो जो विच इज वेरी नैरो स्पेक्ट्रम. ठीक है, वेरी नैरो स्पेक्ट्रम. और थर्ड आ जाएगी हमारे पास वाइडर स्पेक्ट्रम. अच्छा, अब जो है ना वो हम लोग देखते हैं कि इस नैरो स्पेक्ट्रम वाले में कौन कौन से ड्रग्स आती हैं. ठीक है, तो इस नैरो स्पेक्ट्रम में ना दो मेन ड्रग्स आ रही है हमारे पास. ठीक है, तो द वन इज पेनिसिलिन जी, मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पेनिसिलिन जी है. और सेकंड वन इज द पेनिसिलिन वी. ठीक है, ये दो ड्रग्स आ रही हैं. इनके मैं साथ साथ आपको यूज भी बता दूंगा. ये जो पेनिसिलिन जी है ना, इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सिफिलिस. ये आप एमसीक्यू पॉइंट है, आप याद रखें कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस है पेनिसिलिन जी. और ये जो पेनिसिलिन वी है ना, इसको हम यूज करते हैं ओरोफेरेंजियल इन्फेक्शंस में. अच्छा, अब वेरी नैरो स्पेक्ट्रम है, इसमें हमारे पास आती है तीन ड्रग्स, इनको हम कहते हैं MNO, मतलब मेथिसिलिन, नेफिसिलिन और ऑक्सासिलिन. ठीक है, आप लोग इसके वो नाम याद कर ले, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा. ठीक है, और इनका जो आप कहेंगे यूज, तो वो है हमारे पास स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन. स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन में स्टेफोरियस और वो सारे इसमें आ जाते हैं. ठीक है, अब आते हैं वाइडर स्पेक्ट्रम. तो वाइडर स्पेक्ट्रम को ना, उसको भी हमने ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इसकी यूजेज की डिपेंडेंस पे. ठीक है, तो उसको भी हम देख लेते हैं दो पार्ट्स कौन कौन से कहते हैं.
एक में आती है हमारे पास एम्पीसिलिन और एमोक्सिसिलिन, और दूसरे में आएगी टिकारसिलिन और पिप्रासिलिन। इसको याद करने का तरीका निमोनिक पता क्या है, एटीपी, ठीक है, एटीपी, एम्पीसिलिन, एमोक्सिसिलिन, टिकारसिलिन, पिप्रासिलिन। अब इनका जो यूजेज है या जो स्पेक्ट्रम है इसका वो है हमारे पास, उसके लिए इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है क्योंकि वाइड स्पेक्ट्रम है ना, तो इसके लिए निमोनिक बनाई थी मैंने हेल्प मी। हेल्प मी मतलब कि हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इंटेरोबैक्टर, लेजिनोला, प्रोटियस मिराबिलिस, मोरिक्जेला कैटरिस और ईकोलाई, ये मिनी कैटरिस में लिखे हुए, आप लोग वहाँ से इनके नाम वहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक है। और ये जो टिकारसिलिन और पिप्रासिलिन है ना, इसके स्पेक्ट्रम के लिए है पैक, पीई के पैक, सुडोमोनास, इंटेरोबैक्टर और क्लैबशियोला। अच्छा, इनको ना एंटी सुडोमोनास भी कहते हैं, ये भी एमसीक्यू पॉइंट है क्योंकि ये सुडोमोनास के अगेंस्ट एक्ट कर रही हैं। सिंपल सी बात, ये हमारे पास क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या, पेनिसिलिन। अच्छा, पेनिसिलिन के ना बाकी इसके वो देख लिए फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है इसकी, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में इसका हम देख लेते हैं जी के इसका जो इसमें जो पार एंट्रलियम दे रहे हैं ना, मेनली इसको ओरली दे रहे थे लेकिन जो पारेंट्रल दे रहे हैं वो कौन सी है हमारे पास, वो है एम्पीसिलिन, पिप्रासिलिन और टिकारसिलिन। ये एम्पीसिलिन, पिप्रासिलिन और टिकारसिलिन है, इसको हम देते हैं पारेंट्रली, ठीक है। बाकी जो है वो इसमें जो आईएम मतलब कि इंट्रा मस्कुलरली दे रहे मसल्स में दे रहे हैं वो है प्रोकेन और बेंजोथीन फॉर्म ऑफ पेंसिलिन जी। ये जो पेंसिलिन जी है इसकी बेंजोथीन फॉर्म और प्रोकेन देते हैं इंट्रा मस्कुलरली, ठीक है। बाकी ये मेनली जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट हो रही थी, लेकिन जो एक है जो बाइल में होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाइल में जो एक्सक्रीट होगी वो एक नहीं सॉरी दो है, तो वो है हमारे पास नेफिसिलिन और एम्पीसिलिन। ये जो दो थी, एक यहाँ पे थी नेफिसिलिन और ये एम्पीसिलिन, ये बाइल में होती है, बाकी सारी जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट हो रही होती हैं, ठीक है। ये है इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, ठीक है, वो है हमारे पास के ये जो एक्ट कैसे करती है, वो एक तो करती है पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ, ये इंजाइम होते हैं जो उसके उसको बाइंड करा के आगे जाके इसका एक्शन करा लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ये हमारे पास करती है कि इनहिबिशन ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेशन, ये ना वो पेप्टाइड बॉन्ड में वो लिंकेज होता है तो उसको तोड़ देती है, उसको इनहिबिट कर देती है। और ये पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है ना, इसको आप माइक्रो में बड़ी अच्छी डिटेल में पढ़ लोगे, ठीक है, वहाँ पे इसका बड़ा अच्छा बताया हुआ है। और थर्ड है जी चेंज इन पोरिन, और सॉरी थर्ड पॉइंट है इसका ऑटोलिटिक एंजाइम्स की एक्टिवेशन, ऑटोलिटिक एंजाइम्स। तो ये एंजाइम क्या करेंगे, ये जाकर उसकी सेल वॉल का ब्रेकडाउन करना शुरू कर देंगे और ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है। फिर आती है कि रेजिस्टेंस कैसे आती है इस ड्रग्स के अगेंस्ट, तो रेजिस्टेंस के लिए जो इससे बताया मैंने वो वही है कि एक तो कहते हैं बीटा लैक्टमेज की प्रोडक्शन। अब ये बीटा लैक्टम इनमें रिंग होती है इन ड्रग्स के अंदर, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे अगर ये बीटा लैक्टमेज इंजाइम क्या करेगा, ये उस रिंग को तोड़ देगा तो ड्रग काम ही नहीं करेगी, ड्रग के गेंस ही आ गई रेजिस्टेंस आ गई। फिर दूसरा है कि चेंज हो कर देना इन पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, तो देखो वही तो उसका मोड ऑफ एक्शन था, उसके जरिए इसी को आप चेंज कर दोगे तो वो काम ही नहीं करेगा। या तीसरा है चेंज इन पोरेंस, चेंज इन पोरेन, पोरिन कहते हैं ये ना सेल मेम्ब्रेन में पड़े होते हैं और यहीं से ड्रग ने गुजर के आके पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स पे लगना होता है, तो आप जब पोरिन चेंज कर दो ड्रग अंदर आ नहीं सकेगा तो मतलब कुछ एक्शन नहीं, तो मतलब रेजिस्टेंस होगी इस ड्रग के अगेंस्ट। बाकी आ जाती है कि इसकी टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी के लिए जो है ना हमारे पास वो आता है पहले हम इसमें देखिए एलर्जी, एलर्जी के लिए ना इसमें जो है वो हमारे पास निमोनिक देख लें एक साफ, ठीक है, साफ से मतलब क्या बन रहा है कि एस इज फॉर द जॉइंट स्वेलिंग, ए इज फॉर हिमोलिटिक एनीमिया, दिस ए इज फॉर एनाफाइलेक्सिस एंड एफ इज फॉर फीवर। तो ये चार जो है वो उसके जनरल फीचर्स आप कह रहे हैं, जनरल जो एलर्जिक फीचर्स है वो ये है। और बाकी स्पेसिफाई भी किया हुआ है कि जैसे ये जो तुम्हारे पास ना ये जो मेथिसिलिन थी ये कॉज करती है इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास ये जो नेफिसिलिन है ये न्यूट्रोपिनिया कॉज कर रही होती है, ठीक है। और जो हमारे पास एम्पीसिलिन थी वो हमारे पास करती है मैक्रोपैचुलोपैपुलर स्किन रैशेस, ठीक है, ये आपकी बुक में लिखे हुए हैं तीनों। उसके अलावा जो है ये जीआईटी की डिस्टर्बेंसेस भी कॉज कर रही थी, उसमें भी मेनली एम्पीसिलिन होती है और ये हमारे पास ना सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज करती है, ठीक है। तो ये इसकी टॉक्सिसिटी आ गई, यहाँ हमारी पेंसिलिन होगी क्लियर। अब हम आ जाते हैं अपनी सेफेलोस्पोरिन के ऊपर, तो सेफेलोस्पोरिन जो है ना इसकी आगे हमारे पास आती है फाइव जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड
थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये आ गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, अब फर्स्ट एन जनरेशन में आ रही है, दो मिनट का आपने याद रखनी है जी, कौन कौन सी, सेफाजोलिन और सेफालेक्सिन। सेफाजोलिन, सेफालेक्सिन, इनके लिए निमोनिक्स ना बनाना कोई भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा और ये कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। इनको ऐसे ही ना बार बार 10-12 दफ़ा कॉपी पे लिखो, याद हो जाएंगी। सेफाजोलिन, सेफालेक्सिन, और इसका जो यूजेज है वो हमारे पास होती है जी, ये ग्राम पॉजिटिव के कोकाइस के अगेंस्ट यूज़ कर रहे थे हम, और सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस में, ये सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस एमसीक्यू पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, सेकेंड जनरेशन ड्रग्स जो है ना वो आपने जो याद करने नाम वो है जी, सिफाक्लोर, फिर है जी हमारे पास सेफ्यूरेक्सिम, देन आज ये सेफ्प्रोजिल, फिर आगे सेफोटेटिन, फिर सेफेक्सिटिन, बस ये पांच याद करनी है आपने। और इसमें जो अगर यूजेज देखेंगे तो ये जो पहली दो है ना, इसको हम यूज करते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में। और ये जो आखिरी दो है ना, इनको हम यूज करते हैं अगेंस्ट दी इन्फेक्शन कॉज बाय दी बैक्टीरियाइड फ्रेजिलस, और ये बैक्टीरियल फ्रेजिलस वही बस सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस कॉज कर रहा होता है। फिर आज हमारे पास फोर्थ जनरेशन, तो फोर्थ जनरेशन में एक ही ड्रग आपने याद रखना है, सेफीपाइम, सेफीपाइम, और इसको जो है वो यूज, इसका जो स्पेक्ट्रम है ना वो है क्या, हैंड से आप याद कर लेना है। हैंड का मतलब क्या है जी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, और ई से हमारे पास होगा इंटेरोबैक्टर और एन से नज़ेरिया, इन तीनों के अगेंस्ट। ठीक है, और जो फिफ्थ जनरेशन में, इसमें भी एक ही ड्रग याद रखनी है, सेप्टारोलिन, और इसको जो है वो हम यूज करते हैं जी मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, जिसमें स्टेफोरेसिस, एपिडर्मिस, वो सारे आए थे। ठीक है, फिर आता है थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में जो ड्रग्स आपने याद रखनी वाली हैं वो है हमारे पास सेफ्ट्राइएक्सोन, सेफिक्सिम, सेफ्टाजिडीम और सेफ्टी जोक्सिम, बस ये चार आप याद कर लो। इसमें भी इनके यूजेज, ये जो पहले दो हैं, दीज आर दी ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गोनोरिया। ठीक है, अब ये जो थर्ड वाली है इसको हम यूज करते हैं सूडोमोनास के अगेंस्ट, ये एंटी एंटीसूडोमोनास है। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला है इसको अगेंस्ट हम इसी के बैक्टेरियाइड फ्रेजिलस के अगेंस्ट यूज कर रहे थे। बाकी अब इसकी हम अगर ये जो सेफेलोस्पोरिन है इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स देख लें। अच्छा, इसमें ना मैं आपको मेनली एक्सेप्शन बता रहा था, जनरल तो बातें पता ही, जो एक्सेप्शन है वो मैं बताता हूँ। अच्छा, इसको ना मोस्टली हम देते हैं सेफेलोस्पोरिन को पारेंट्रल रूट से, पारेंट्रल मतलब कि माउथ से नहीं बल्कि माउथ के अलावा, जो कि हमारे पास गट में ना जा रहा हो, पारेंट्रल वो होगा जो कि एंट्रल में नहीं जा रहा, मतलब माउथ से उसको नहीं ले रहे, ये गट मतलब आई वी दे रहे हैं, आई एम दे रहे हैं आप लोग, या आर्टेरियल में दे रहे हैं, जैसे भी दे रहे हैं। ठीक है, और जो इसकी एक्सक्रीशन है वो मेनली है रीनल, जिस तरह उसकी थी पेनिसिलिन की भी रीनल थी मेनली। ठीक है, बाकी इसमें जो एक्सेप्शन है ना इसी एक्सक्रीशन में, जो कि मतलब जो बाइल एक्सक्रीट हो रही है, तो वो है हमारे पास सेफ्ट्राइएक्सोन। अब देखो तीन हमारे पास जो है ना वो बीटालेक्टम है जो कि बाइल में जा रही हैं, एक सेफ्ट्राइएक्सोन और दो हमने यहाँ पीछे पड़ी थी ये वाली नेफिसिलिन और एम्पिसिलिन, तो ये तीनों जो है ये बाइल में एक्सक्रीट, बाकी सारी रीनल में जा रही हैं। ठीक है, ऐसे इनको याद कर लें। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है ना वो सेम है एज पेनिसिलिन, वही तीन तरीके हैं पेनिसिलिन वाले, सेम वही रेजिस्टेंस भी सेम है यही वाली पेनिसिलिन के, बीटा लैक्टामेज प्रोड्यूस करना है और पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स वही सेम आ गई। फिर आती है इसकी टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी इसकी चेंज है, टॉक्सिसिटी में इसकी एलर्जी देखने के, एलर्जी रिएक्शन कौन से कॉज कर रही है, तो उसमें हमारे पास उन्होंने दो दिए हुए कि एक स्किन रैशेज और नंबर टू पे ये कर रही है एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफाइलेटिक
शॉक. उसके अलावा जो है वो इसका जो हमारे पास इंट्रा मस्कुलर अगर हम इंजेक्शन देते हैं ना, आईएम देते हैं, तो ये हमारे पास करेगा पेन कॉज. और उसके अलावा इट कैन कॉज हाइपोप्रोथ्रोम्बीमिनिया. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सेफलोस्पोरिन हमारी क्लियर होगी. अब हम आते हैं, लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है इसको ज़रा मैं शॉर्ट करूँ. अब हमारे पास ये मोनोबैक्टम, तो मोनोबैक्टम में एक ही आती है एस्ट्रियोनम. और ये जो एस्ट्रियोनम है ना, इसका जो सिंपल सा स्पेक्ट्रम है वो आपने याद रखेंगे कि उसको हम जो है वो ग्राम नेगेटिव रॉड्स के गेंस यूज़ करते हैं, लाइक क्लैबशेला वगैरह में. ठीक है, और बाकी एक इसके एडवर्स इफेक्ट में वही कि जीआईडी के अपसेट्स हैं मेनली, और ये बस एक ये और हेडेक वगैरह लिखी हुई है. ठीक है, बस वो आपने बुक बिल्कुल थोड़ा सा इस बारे में याद रखना है. कार्बेपीने में इसमें आती है हमारे पास चार ड्रग्स, लाइक इसकी वो क्लासिफिकेशन में डी है, उसको भी याद रखना, डाइम थी आपने, डोरीपीनम, इमीपीनम, मीरोपीनम और एटापीनम. ठीक है, ये चार ड्रग्स है, डोरीपीनम, इमीपीनम, मीरोपीनम, सॉरी नज़र नहीं आ रहा आप लोग, हाँ डाइम, डोरीपीनम, इमीपीनम, मीरोपीनम और एटापीनम. और इनका भी जो स्पेक्ट्रम है इसको हम ग्राम पॉजिटिव कोकाइस के गेंस और ग्राम नेगेटिव रॉड और एंगरोब्स के गेंस यूज़ कर रहे होते हैं. और इनके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो जीआईडी के अपसेट है और सीएनएस की टॉक्सिसिटी है. और उसके अलावा जो इसमें एक पॉइंट आपने याद रखना है ना, वो ये है, ये जो इमीपिनम है ना, इमीपिनम ये जो है किडनी का एक एंजाइम होता है रीनल डीहाइड्रोपेप्टाइडेज 1, वो इसको इनहिबिट कर देता है. तो इसलिए जब हमने ये ड्रग देनी है तो उसके साथ साथ में मिला दिया सिलास्टेटिन. जो सिलास्टेटिन है वो उस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी ताकि वो इस ड्रग को इनहिबिट ना करे और ये ड्रग अपना काम करती रहे. ये भी पॉइंट आपकी मिनी कैटसन में लिखा हुआ, आप लोग वहाँ से देख लें, बस इसमें और कुछ नहीं याद करने वाला. तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो बीटालैक्टम वाले चारों ड्रग्स क्लियर होगी. अब हम जो एक रह गया वो हमारे पास है ये वैनको, जो कि मेन है बीटालैक्टम के अलावा, उसको देख लेते हैं. अच्छा, ये जो वैनकोमाइसिन है ना, इसका अगर हम देखें इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन इसकी है कोई नहीं, यही एक ही है. तो वो है जी हमारे पास ना लिंकेज होता है उसके अंदर बैक्टीरियल वॉल्स के अंदर ना, डी एला ये इस पे जाके बाइंड करता है और ये एक्ट कर रहा होता है. ठीक है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन चेन के अंदर ना ये बनाता है डी एला लिखे, लाइक आप ना समझ लें कि जिस दो चेन्स उनमें ऐसे ना डी एला का ना लिंकेज होता है जो कि इनको पेप्टाइडोग्लाइकन चेन को जोड़ करता है. तो ये उन पे जाके एक्ट करेगा, इसको तोड़ देगा और वो उसकी बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी. अच्छा, अब ये कि इसकी रेजिस्टेंस कैसे आती है, तो वो ये है कि ये जो एला था ना डी एला, ये रिप्लेस हो जाता है विद डी लैक्टेट. अब डी एला की जगह डी लैक्टेट अगर ड्रग ने आके बाइंड किस पे करना था, एला पे, वो एला ही नहीं है, तो मतलब ड्रग तो काम नहीं कर रहा, तो रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास यहाँ पे. फिर आता है जी इसका स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम जो है ना वो इसका, वो एक तो हमारे पास इसका जो है वो है जी मेथिसिलिन रेजिस्टेंस, स्टेफोरिस, मतलब जो स्टेफोरिस मेथिसिलिन मतलब ये जो पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस था, तो उसके अगेंस्ट हम ये देंगे वैनकोमाइसिन. दूसरा इसका है अगेंस्ट दी इन दी कोलेस्ट्रीडियम डेफिसिल. ये जो कोलेस्ट्रीडियम डेफिसिल है ना, ये हमारे पास कॉज कराता है हमारे पास सूडोमेम्ब्रेनियस कोलाइटिस. ठीक है, तो उसके अगेंस्ट इसको हम जो यूज़ कर लेंगे. बाकी इसकी जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी टॉक्सिसिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और एमसीक्यू में आती है. तो उसके लिए हमें निमोनिक सिंपल सा याद कर रखना है वैनको, इसके नाम में VANCO, कैसे वी इज फॉर वेन्स, ये तो मैं करेगा ये प्लेबाइटस. ठीक है, और ये एन से हमारे पास ये कॉज कर रहा होगा नेफ्रोटॉक्सिसिटी, और ओ से ऑटोटॉक्सिसिटी. इसके अलावा एक है रेड मैन सिंड्रोम, मतलब वो फेस पे फ्लशिंग आ जाए हिस्टामिन की रिलीज की वजह से, तो वो भी इसका जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है. और ये वो एमसीक्यू में मेनली वही आ रहा था रेड मैन सिंड्रोम. ठीक है, उसका भी मतलब वो यूज़ क्या है कि हम उसको ना एंटी हिस्टामिन पहले दे देंगे ताकि ये रेड मैन सिंड्रोम उसको ना हो, अगर मैं वैनको यूज़ करनी होगी. फिर ये जो डेप्टोमाइसिन है ना, इसका सेम यही है वैनको ही है, लेकिन वैनको से भी ज़रा इन्हांस एक्शन है, मतलब स्पेक्ट्रम वही है लेकिन उससे भी इन्हांस है. अब इसका जो मोड ऑफ एक्शन है ना वो क्या है, जो उसको इस तरह इन्हांस कर रहा है, वो है कि ये पोटेशियम चैनल्स की लीकेज कराता है, पोटेशियम चैनल लीक. ठीक है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है. और इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो हमारे पास है मसल मायोपैथी. बाकी इसका स्पेक्ट्रम सेम वही है
कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ओरियस और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल के अगेंस्ट उसको हमने यूज़ करना होता है। बाकी ये तीन और हैं, फोस्टोमाइसिन है, बैक्टेरियासिन है और साइक्लोसिरिन है। इनके जैसे आपको नाम पता हो कि ये जो बीटा लैक्टामिन के अलावा यूएमसीक्यू में अक्सर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डज नॉट कंटेन द बीटा लैक्टामिन रिंग, तो आपको पता चाहिए कि ये एक दो तीन चार इन पाँच में बीटा लैक्टामिन रिंग नहीं होती, इन चार में होती है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द बीटा लैक्टामिन एंटीबायोटिक। ये हमारा जो है वो चैप्टर 43 है मेरी कैट्स का जो कि कंप्लीट हो गया। इसकी जो पिक्चर है वो मैं फेसबुक पेज पे अपलोड करके और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको सेव भी कर सकते हैं। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।